डियर स्टूडेंट, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्माणकारी कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान है। इस प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उद्रोधक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। इस ठेकेदार को एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब करता है। तो पहले हम अपने क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमें क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि एक कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान है। तो पहले दिन के लिए 250 जुर्माना लग रहा है, तो लिख लेंगे दिया है। तो हमारे प्रश्न में दिया है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। तो लिख लेंगे पहले दिन, पहले दिन का जुर्माना, हमारा पहला दिन का जुर्माना 200 रुपये है। फिर प्रश्न कर रहा है दूसरा दिन का 250 है, दूसरे दिन का जुर्माना बराबर 250 रुपये। फिर कह रहा है कि तीसरा दिन का जुर्माना 300 रुपये, तीसरे दिन का जुर्माना बराबर 300 रुपये। और कह रहा है कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे जितने भी जुर्माने हैं उसमें 50-50 का अंतर है। फिर हमारा कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करना पड़ेगा, यानी कि कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिनों तक विलंबित कर देता है। यानी कि हमें टोटल धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि हमें SN निकालना है। तो हम फिर देखते हैं कि इस प्रकार प्राप्त AP, तो हम देखते हैं कि हमें एक AP प्राप्त होती है 200, 250, 300, 30 पदों तक, क्योंकि हमें 30 दिनों तक विलंब की धनराशि ज्ञात करनी है। तो हमारा ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस AP में हमारा जो A यानी कि प्रथम पद है वो 200 है, D यानी कि सर्वांतर हम निकाल लेंगे, A2 - A1 होता है, तो A2 का वैल्यू हमारे पास 250 और A1 का वैल्यू हमारे पास 200 है, यानी कि 50। हमारा सर्वांतर D 50 आ गया। और हमारे प्रश्न में भी दिया था कि दिनों का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, तो हमारा ये D 50 आ गया। और हम देखते हैं कि हमें वह इस कार्य को 30 दिनों तक विलंब करता है, इसलिए हमारा N बराबर हो जाएगा 30 दिन। तो हम जानते हैं कि चूंकि SN = N/2 × 2A + N - 1 × D होता है, और हमें 30 दिनों तक ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास N 30 है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा, इसलिए S 30, N के स्थान पे 30 हो जाएगा, 30/2 × 2 × A की वैल्यू हमारे पास 200 गुणे 200 प्लस N की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 50, ये हो गया। अब हम इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 30 कट जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 × 2 में 200 से गुणा कर देंगे 400, और 30 में से एक जाएगा 29 × 50। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 15
इंटू 400 प्लस 5 दिया गया 1450। अब हमारा ये हो जाएगा, हल करेंगे तो 15 गुणे 1850, 1450 को जोड़ देंगे तो अब हम गुणा करेंगे जब 15 में 1850 से, तो हमारा आ जाएगा 27750। यानी कि यदि वह 30 दिन विलंब करता है तो उसे 27750 रुपये देने पड़ेंगे। तो हम अपने दूसरे नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो हमारे दूसरे नंबर प्रश्न यानी कि 16 में किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुस्तक देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुस्तक अपने से ठीक पहले पुस्तक से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुस्तक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे प्रश्न में दिया है कि 7 नगद पुस्तक देने के लिए हमें 700 रुपये की राशि रखी गई है और हमें प्रत्येक पुस्तक का मान ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक पुस्तक अपने पहले पुस्तक से 20 कम है। तो लिख लेंगे प्रश्न से माना पहले लिखेंगे प्रश्न से माना पहले पुस्तक का मूल्य बराबर X रुपया। और हमारा प्रश्न था कि यदि प्रत्येक पुस्तक अपने से ठीक पहले पुस्तक से 20 रुपये कम है तो इसी प्रकार हो जाएगा दूसरे यहाँ पे पुस्तक है तो दूसरे सॉरी पुस्तक नहीं पुरस्कार है तो दूसरे पुरस्कार तो जगह दूसरे पुरस्कार का मूल्य तो दूसरे पुरस्कार का मूल्य 20 कम है। कह रहा था कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो ये हो जाएगा X-20 रुपया। फिर इसी प्रकार तीसरे के लिए तीसरे पुरस्कार का मूल्य तो ये भी हो जाएगा X-20-20, यानी कि जो हमारा कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो हमारा तीसरा पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से ठीक 20 कम होगा, यानी कि ये हो जाएगा X-40 रुपया। फिर इसी प्रकार चौथा पुरस्कार का मूल्य बराबर हमारा चौथा पुरस्कार अपने तीसरे पुरस्कार से 20 कम होगा, यानी कि X-40-20 रुपया, यानी कि ये हो जाएगा X-60 रुपया। फिर इसी प्रकार हमारा पांचवा पुरस्कार कार का मूल्य तो जो हमारा पांचवा पुरस्कार होगा वो ठीक अपने चौथे पुरस्कार से 20 कम होगा, X-60-20 हो जाएगा रुपये, यानी कि X-80 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा छवां पुरस्कार छवां पुरस्कार का मूल्य तो हमारे छवें पुरस्कार का मूल्य हो जाएगा X-80-20, यानी कि हमारा जो छवां पुरस्कार होगा हमारे प्रश्न के हिसाब से वो अपने ठीक पहले यानी कि पांचवें पुरस्कार से 20 कम होगा, यानी कि ये हो जाएगा X-100 रुपया। ठीक इसी प्रकार हमारा जो सातवां पुरस्कार होगा पुरस्कार
सातवां पुरस्कार का मूल्य वो हो जाएगा x माइनस 100 माइनस 20 रुपए, यानी कि वो छवें पुरस्कार से 20 कम होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 120 रुपए। तो हमारे प्रश्न में दिया था कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि इससे हमें एक एपी प्राप्त होता है, तो लिख लेंगे, इसलिए लिख लेंगे इस प्रकार प्राप्त एपी। तो इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त होता है 7 पदों तक, यानी कि हमें 7 पुरस्कारों का जो मान था वो हमें ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा एक्स कमा एक्स माइनस 20 कमा एक्स माइनस 40 कमा डॉट 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 7 पदों तक, यानी कि हमें 7 पुरस्कारों का मूल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे इस प्राप्त एपी में जो हमारा ए का मान है, यानी कि पहले पद का जो मान है वो एक्स है, और हम अपने डी का मान यानी कि पदों के अंतर ज्ञात कर लेंगे, तो ये होता है A2 माइनस A1, यानी कि हमारे पास A2 का वैल्यू x माइनस 20 है और A1 का वैल्यू x है। तो हम जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x। तो हम देखते हैं कि प्लस x माइनस x कट जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ माइनस 20, यानी कि हमारे पास जो d यानी कि सर्वांतर का वैल्यू है वो माइनस 20 है, और हमें कह रहा है कि 7 पुरस्कारों का जो मान होगा वो क्या होगा, प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य, यानी कि हमारे पास 7 नगद पुरस्कार हैं और हमें उसके मान ज्ञात करने हैं, यानी कि हमारे पास जो n होगा वो 7 होगा। और प्रश्न कह रहा था कि 7 पुरस्कार का मूल्य क्या होगा, और हमें 7 पुरस्कार के लिए टोटल 700 रुपए की राशि रखी गई है, यानी कि हमारे पास S7 का जो वैल्यू है वो 700 दिया गया है। तो हम निकाल लेंगे, चूंकि Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है ये हमारा सूत्र। अब हम इसलिए S7 यानी कि 7 पुरस्कारों के लिए तो S हमारा 7 हो जाएगा, तो इसलिए S7 बराबर 7 बाई 2 इंटू 2 गुणे ए का वैल्यू हमने x ज्ञात किया और प्लस n का वैल्यू हमारे पास 7 है और d की वैल्यू हमने माइनस 20 ज्ञात की। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2x और हमारा जो S7 का वैल्यू था वो 700 दिया है, ये हो जाएगा 700 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20, यानी कि हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बराबर 700 बराबर 7/2 इंटू 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 120, यानी कि हमारा गया 700 बराबर 7/2 इंटू 2x माइनस 120 ज्ञात हो गया। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारा जो ये है ये हो जाएगा 700 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा भाग के रूप में और गुणा के रूप में 7 है तो नीचे आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 120। तो यहाँ से देखते हैं कि 7 से हमारा 700 100 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, 100 से 2 में गुणा करेंगे 200 और हमारा बच गया 2x माइनस 120। तो अब हम क्या करेंगे, 120 को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 200 प्लस 120।
तो ये हमारा हो जाएगा 2x, यानी कि x 2x बराबर जोड़ लेंगे 320 हो जाएगा। अब हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 320 बटे 2, यानी कि कटा लेंगे 160। यानी कि जो हमारे पास x का वैल्यू आया वो हमारे पास 160 आया, ठीक है। और हमें कह रहा था कि सात पुरस्कारों का यानी कि प्प्रत्येक पुरस्कारों का मान ज्ञात करना है। तो अब हम अपने x के वैल्यू को इन सब में बारी बारी से रख के हम इनके मान को ज्ञात कर लेंगे। हमारे इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो लिखेंगे x बराबर जब हमारा 160 आ गया तो लिखेंगे पहले, इसलिए लिखेंगे अतः पहले पुरस्कार का मूल्य, अतः पहले पुरस्कार कार का मूल्य बराबर x रुपया था, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 160 रुपया। इसी प्रकार लिखेंगे कि दूसरे पुरस्कार का मूल्य x माइनस 120, तो ये हमारा हो जाएगा 160 माइनस 20 आ जाएगा, यानी कि 140 रुपया हो जाएगा। फिर इसी प्रकार लिखेंगे तीसरे पुरस्कार का मूल्य x माइनस 40, यानी कि x के स्थान पे x का मान हो जाएगा 160 माइनस 40, यानी कि तीसरे पुरस्कार का मूल्य हमारा 120 रुपया आ जाएगा। फिर इसी प्रकार लिखेंगे चौथे पुरस्कार का मूल्य, तो ये हो जाएगा x माइनस 60, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 120 माइनस 60 कर लेंगे, सॉरी 160 माइनस 60 यानी कि 100 रुपया हो जाएगा। फिर इसी प्रकार होगा हमारा पांचवे पुरस्कार का मूल्य, यानी कि x माइनस 80, यानी कि हम अपने 160 में से 80 को घटा लेंगे। फिर हमारा इसी प्रकार लिखेंगे छठे पुरस्कार का मूल्य x माइनस 100, यानी कि 160 में से 100 को घटा लेंगे। फिर लिखेंगे सातवें पुरस्कार का मूल्य x माइनस 120, यानी कि 160 में से 120 को घटा लेंगे, जितना आएगा लिख लेंगे और हम उसे क्रम से सजा लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपने 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और फिर करा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का अनुभाग दो, तीन का तीन इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले देख लेंगे कि हमारे प्रश्न में क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमारे प्रश्न में दिया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों वायु प्रदूषण के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं। एक निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। तो हमारे प्रश्न में दिया है प्रश्न से दिया है कि कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। तो लिखेंगे कक्षा एक द्वारा लगाया गया लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो दिया है कक्षा एक द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या एक। फिर दिया है इसी प्रकार कक्षा दो द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या दो। तो लिखेंगे कक्षा दो द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या दो लगाए गए पेड़ों की संख्या दो। फिर इसी प्रकार दिया है कक्षा तीन द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या द्वारा पेड़ों की संख्या
बराबर 3। और फिर कह रहा है इत्यादि ऐसे ही 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है। ए बी सी की तरह हम समझ सकते हैं कि कक्षा 10 है उसका सेक्शन 1 है, 10A, 10B, 10C ऐसे हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि 3 सेक्शन है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है इसलिए लिखेंगे इसलिए कक्षा इसलिए कक्षा 1 द्वारा लगाया सॉरी कक्षा 1 द्वारा लगाए गए गए पेड़ों की संख्या। तब तो हो जाएगा कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 1 × 3 यानी कि बराबर 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो ये हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। फिर हो जाएगा कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो ये हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। ऐसे ये 12 कक्षा 12 तक दिया है। तो हमारे प्रश्न में दिया था कि कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 1, 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 2, 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3। फिर कह रहा था कि प्रत्येक जो कक्षा है उनके 3 अनुभाग हैं यानी कि 3 भाग हैं। तो चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 भाग हैं इसलिए कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में हम 3 से गुणा कर देंगे जो आएगा 3। फिर हम कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में 3 से गुणा कर देंगे 6। फिर हम कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में 3 से गुणा कर देंगे 9। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त होता है। लिख लेंगे इस प्रकार प्राप्त एपी। तो इस प्रकार प्राप्त एपी है 3, 6, 9, 3, 6, 9 ……12 पदों तक, क्योंकि हमें 12 कक्षाओं तक ज्ञात करना है इसलिए 12 पदों तक। अब हम देखते हैं कि इस एपी में हमारे पास ए बराबर 3 है, डी बराबर होता है a2 − a1, तो हम ये ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 − 3 = 3। और हम देखते हैं कि n की जो वैल्यू हो 12 है, क्योंकि हमें 12 पदों तक ज्ञात करना है यानी कि n हमारा 12 है। और हमारे प्रश्न में पूछ रहा था कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या यानी कि हमें s12 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n − 1 × d होता है, इसलिए s12 निकाल लेंगे, n के स्थान पे 12 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 12/2 × 2 × a का वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n का वैल्यू 12 है −1 × d का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हम अपने a, d और n के वैल्यू को रख दिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जब इसे हम हल करेंगे तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, और ये हो जाएगा 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 + 12 में से 1 गया 11 × 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 6 × 6 + 33, 11 में 3 से गुणा कर देंगे 33 आ जाएगा, 33 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39। अब हम 39 में 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234 यानी कि इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या टोटल कितनी होगी 234। तो हमारा जो प्रश्न था वो कह रहा था कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनु
प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग की अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, दो का दो, तीन का तीन, इत्यादि ऐसे ही 12 तक चलेगा कक्षा तक। फिर कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो हमने देखा कि हमारे प्रश्न में था कि कक्षा एक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 1, कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 2, कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3। और फिर कह रहा था कि हमारे प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि 3 सेक्शन है। तो पहले कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में हम 3 से गुणा कर देंगे, फिर हम दूसरे कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में हम 3 से गुणा कर देंगे, फिर तीसरे कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या में 9 से गुणा कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त होती है और 12 पदों तक, यानी कि हमें 12 कक्षा तक ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस एपी में ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा 3, फिर एन का वैल्यू हमें 12 कक्षा तक ज्ञात करना है इसलिए एन बराबर 12, और हम एस 12 निकाल लेंगे तो हमें आ जाएगा कि टोटल यानी कि 12 कक्षाओं तक लगाए गए पेड़ों की संख्या हमारी हो जाएगी 234।